हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग हमीद दुबे यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं मेरे वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है मंत्रा मिराकी, जो कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आकुड़ी लोकेशन में आता है। ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये 3.5 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रहा है, जिसमें टोटल 6 बिल्डिंग आने वाली हैं, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें टोटल अगर बात करें दोस्तों तो 2 BHK, 3 BHK एंड 4.5 BHK के अपार्टमेंट मिलेंगे। और अब हम इस प्रोजेक्ट की अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बेसमेंट, 1 स्टील और 22 स्टोरी का हैविचुअल फ्लोर आपको मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन के साथ में, आप देख पा रहे पूरे वीडियो में। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोजेक्ट है महारेरा से अप्रूव्ड है और इसका आया हुआ है फुल CC, तो आपको टाइटल को लेकर कोई इशू नहीं आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। सो व्यूअर्स, आप बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में बताता रहूँगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे 3 BHK के सैम्पल फ्लैट में। सो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज़ आपको मिलता है 3.9 x 4.6 का। और उसी के साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिलता है आपको इस प्रोजेक्ट में। और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों लिविंग एरिया, और यहाँ पे लिविंग एरिया का जो साइज़ यहाँ पे आपको बिल्डर दे रहा है वो 15.3 x 11 का मिल रहा है। और लिविंग एरिया से ही अटैच है एक बालकनी भी, और इस बालकनी की अगर हम साइज़ की बात करें यहाँ पे, तो 5x11 का आपको यहाँ पे बालकनी मिलता है आपको लिविंग एरिया से, और काफ़ी ओपन व्यू के साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा बालकनी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे फर्नीचर किया हुआ है बिल्डर ने, क्योंकि आपको इसे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको फर्नीचर रखने के बाद कितना स्पेस मिलेगा आपके फ्लैट के अंदर। और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 BHK के 2 वेरियंट है, जिसका एक कारपेट एरिया है 793 x 824, और वहीं 3 BHK का जो कारपेट एरिया है वो आपको मिलता है 989 का, जो कि आप देख रहे हैं ये सैम्पल फ्लैट। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों किचन एरिया में, और अब हम आ गए दोस्तों किचन एरिया में। और यहाँ पे किचन एरिया का जो साइज़ मिलता है वो 8x8.8 का मिलता है, और जो कि काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन एरिया। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक 3 BHK के साथ साथ में यहाँ पे 4.5 BHK का भी अपार्टमेंट है, जिसमें आपको 3 वेरियंट मिलता है अलग अलग। पहला साइज़ जो मिलता है आपको 4.5 BHK वो 1572 मिलता है, दूसरा जो मिलता है 1626 मिलता है, और वहीं जो तीसरा आपको साइज़ मिलता है 1642 का साइज़ मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस आपको मिल जाएगा 4.5 BHK। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा ड्राई एरिया, जिसका साइज़ है 8x5.9 का। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे कॉमन बेडरूम में। तो व्यूअर्स, आप बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन साइट भी दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ है इस प्रोजेक्ट का, और कौन से लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। सो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही सेलेक्टेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो व्यूअर्स, अभी हम आ गए कॉमन बेडरूम में। यहाँ पर जो कॉमन बेडरूम का जो साइज़ मिलता है वो 11x10 का मिलता है, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको फ्रेंच विंडो भी मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 फीट का लगभग वार्डरोब बनाया हुआ है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बेड रखा हुआ है, पर स्टिल काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके बेडरूम में। सो व्यूअर्स, अब हम बात करें इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी की, तो काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाता है आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट से। जैसे रिक्शा स्टैंड 50 to 100 meter के वॉकेबल डिस्टेंस पे, बस स्टैंड आपको 100 to 150 meter के वॉकेबल डिस्टेंस पे, वहीं अगर बात करें हम रेलवे स्टेशन की, तो 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको चिंचवड़ रेलवे स्टेशन भी मिल जाता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों कॉमन वॉशरूम में। सो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं ये कॉमन टॉयलेट, और यहाँ पे आपको इसका साइज़ जो मिलता है वो आपको मिलता है 6.9 x 5 का, और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं पार्टीशन ग्लास के साथ में ऐसे मिलेगा, जैगवार फिटिंग के साथ में आपको मिलता है कॉमन टॉयलेट, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है बिल्डर ने ये 3 BHK के अपार्टमेंट को। और ये रहे दोस्तों आपका मास्टर बेडरूम। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपरली यहाँ पे वार्डरोब वगैरह बनाया हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है मास्टर बेडरूम में। और इसी मास्टर बेडरूम के साथ में दोस्तों अटैच है एक ड्राई एरिया भी, जिसका साइज़ आपको मिलता है 3.6 x 10 का, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम बात करें इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में, तो यहाँ पर जो मंत्रा डेवलपर है वो 2007 से कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो लगभग 15 से 16 साल का इनका एक्सपीरियंस हो जाता है इस कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिसमें इन्होंने 12 से 13 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे जैसे लोकेशन में। और अभी भी बात करें अगर इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो लगभग 18 प्रोजेक्ट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी भी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट, जिसका साइज आपको मिलता है 6x6 का, और यहाँ पे भी आपको ब्रांडेड फिटिंग के साथ में आपको मिलता है मास्टर टॉयलेट, और ये एज इट इज़ जैसे आप देख पा रहे हैं।
पार्टीशन ग्लास के साथ में ऐसे ही मिलेगा आपको ये मास्टर टॉयलेट। और यहाँ पे आपने देखा दोस्तों फर्स्ट मास्टर बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड मास्टर बेडरूम में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉयर एरिया। सो व्यूवर्स, यहाँ पे आपको जो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मिलता है वो 10.9x11 का मिलता है। उसी के साथ में आपको मिल जाता है फ्रेंच विंडो जो कि हाफ फिक्स रहेगा, हाफ ओपनेबल रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम काफ़ी स्पेसियस आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। और उसी के साथ में आपको मिलता है एक टॉयलेट जिसका साइज़ आपको मिलता है 6x6 का। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको पार्टीशन के साथ में एक जगवार फिटिंग के साथ में मिलता है आपको मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वार्डरोब वगैरह प्रॉपर बनाया हुआ है, फिर भी आपके फ्लैट में काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपने देखा दोस्तों 3 BHK का 989 का कारपेट एरिया का फ्लैट, तो आपको कैसा लगा ये प्रॉपर्टी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और रिस्पॉन्स करूँ आपके कॉल का। और तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट है कितना परसेंट ड्यू है, तो जो टावर DEF है वो आपका 50% ड्यू है, और जो टावर ABC है वो आपका 30% ड्यू है। और व्यूअर्स, अगर आपको बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।